मुरादनगर हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन सरकारी नौकरी की मांग पर अड़े हुए हैं। एक घर छोड़ के हर घर के सामने लाश बिछी हुई है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनका कोई संभालने वाला नहीं है। आज उन्हें ये नहीं पता है कि हमें करना क्या है, क्या छोटे छोटे हैं। तो हम ये सब चाहते हैं और पूरा मुरादनगर चाहता है कि इन बच्चों के परिवारों को कम से कम एक नौकरी दी जाए। नहीं दी जाती है, आज ही होनी चाहिए और सारा काम आज होना चाहिए। पीछे फिरने वाला कोई काम नहीं, आज होना चाहिए तो इनकी अंत्येष्टि होगी, नहीं तो चाहे 4 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए, हम अंत्येष्टि नहीं होने देंगे। हम सरकार के साथ हैं, सरकार को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सरकार भी हमें सपोर्ट करे तो हमारी सरकार है, नहीं हमारी काहे की सरकार। 50,000 लड़के की टांग चली गई, कह रहे 1,00,000 रुपया जमा करो, कौन सा लाभ 1 पैसा घर पे दिया हमारे निर्मल। अरे गोली तक नहीं दी डॉक्टर, हाँ वहाँ भेज दिया, फिर वो कर दिया रेफर, नुकरा कहीं भी ले जाओ, कहाँ ले जाओ बताओ। गरीब आदमी बीमार हो, किसी से मांगने कुछ कर ले, एकदम हादसा हो गया, कहाँ से लाभ है। हाँ बच्चा कल से जी पड़ा है। इधर मुरादनगर के कुरालसी मोहल्ले में मातम पिसरा हुआ है। हादसे में अपनों की जान गंवाने वालों का दर्द सुनिए। वहाँ पे अजमेर के लिए गए हुए थे, अजमेर जैसे संस्कार करके बाहर आ गए, मोम धारण के लिए बैठते हैं, तो वो लैंटर जो वो गिर गया था। अच्छा, बारिश हो रही थी उस वक्त? हाँ थोड़ी घनी तो बारिश हो रही थी जी। अच्छा, कितने लोग थे उस लैंटर के नीचे? बहुत तेजी, वैसे 150-200 आदमी था जी उस लेंटर के नीचे। तो जब लेंटर गिरा तो क्या कुछ लोग अपने आप भी निकले और आप लोगों ने निकाला कैसे किया? भाई कुछ अपने आप भी निकले, कुछ लिखाड़े गए वहाँ। अच्छा, आप लोगों ने भी निकाला? हाँ सब ने लिखाड़े जी। यहाँ तो लोग गांव देहात के लोग हैं साहब, एक के साथ ना है, कोई कोरोना से नहीं मर रहा, 50 से कम से 150 आदमी होंगे। और सबसे अहम चीज जो मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा कजन है वो एडमिट है, उससे 50,000 रुपए मांग रहे हैं। ये प्रशासन कर क्या रहा है यार, वो बता रहे 150 साले। हम ना यहाँ पे जो भी सुन रहा है, जितनी बॉडी आएंगी हम उसका रोड जाम करेंगे कल, और तुम साले तब वहाँ पे आना, तुम लोग तुम्हें पता चलेगा कितने लोग मरे, किसके घर से मरे हैं साले, पूरा पूरा मोहल्ला खाली हो गया ये हमारा। मुरादनगर हादसे के घायलों का कहना है कि शमशान घाट की छत अचानक से ढह गई। आज तक गए थे, सारा काम ठीक हो रहा था, चिता में आग वाग भी लगा दी थी, बस थोड़ी देर बाद में पंडित जी ने बुलाया, सबको एक साथ इकट्ठा करा, लेंटर था ऊपर, वो लेंटर अचानक ही एकदम गिर गया पूरा। तो बारिश हो रही थी तो लेंटर पहले से चूरा था, क्या था? कुछ भी नहीं, अचानक ही एकदम एक साथ गिरा पूरा का पूरा, समझने में भी ना आया किसी को ये हुआ क्या है। तो वही जो हादसे के चश्मदीद हैं, उनका ये कहना है कि हादसे के वक्त शमशान घाट की छत चू रही थी। करीब सुबह 11:30 बजे का वक्त था। इस गलियारे में 2 मिनट के मौन के लिए सभी लोग जमा हुए। इसी दौरान गलियारे की छत भरभरा कर गिर गई, जिसमें उधम सिंह की तरह कुछ लोग बच गए, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें अंकित और सुनील जैसे लोग भी थे जो अपने पीछे बच्चे और पत्नी को छोड़ गए हैं। उनकी फैमिली में एक छोटा भाई है और 2 बच्चे हैं उनके, और एक भाई है, माँ है। पिताजी पहले एक्सपायर हो गए? पिताजी कैंसर से एक्सपायर, घर में ही। हाँ घर में मैन यही थे, काम करने वाले। मतलब कह सके तो घर पूरा इन्हीं के ऊपर डिपेंड था, सब कुछ इन्हीं के ऊपर डिपेंड था। प्रशासन से यही है कि बच्चों का थोड़ा देखभाल कर दी जाए, जो भी कुछ बच्चे सेफ रहे। मेरे बड़े भैया इस हादसे में रहे हैं, और अब ये तो ये उम्र नहीं होती, ठीक है, ये तो शरारती जितनी भी है, ये तो है तो भाई खराबी, जिन्होंने भी ये कॉन्टैक्ट लिया था, जिन्होंने ये बनाया था, उनकी गलती है, ठीक है, उन दोषियों तो तरी से तरी कार्रवाई होनी चाहिए, उन तो सजा मिलनी चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।